शरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। दी, स्वामी बुआ भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है। दी, वाईजी की लाइफ बिना एक बंद किताब की तरह है, जिसके पन्नों को कभी कोई पढ़ ही नहीं सका। कभी कभी चीजें छुपाना मकसद नहीं मजबूरी होती है, वरना क्यों कोई अपनों से कुछ छुपाएगा। दी, मनु देखना, हर तरफ खुशियां है, सब खुश है, और तू ये बातें लेके बैठी है, एंजॉय कर, ये सब मत सोच। ए मानवी। हाँ चाची। देख मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ? अच्छा जल्दी हो। दी मैं आई एक मिनट। और मैंने भी इसको लगाई, दिखाओ दिखाओ। अरे ये मैंने लगाई, ये मैंने लगाई। चाचू का नाम नहीं लिखवाया। ओह माय गॉड। माफ करना मनु, मैं जिंदगी भर तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगी। तेरा मेरा साथ तो बस चंद दिनों का है, उसके बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं। मनु, ये जो है, ये जो मेहंदी लगाएगी। आप डिजाइन दिखाइए ना, प्यारे डिजाइन दिखाओ। पसंद आए तो बोलो। ओके। ये कैसे कैसे डिजाइन है, ये तो सारे डिजाइन एक जैसे ही लग रहे। चलो जो भी है, मुझे तो हाथ लाल करवाने से मतलब है। तो आप ना मुझे ये वाला डिजाइन लगा। तो बताया नहीं और काम शुरू। पहले दाम बताओ। 5,555 रुपए। क्या आप मेहंदी लगाने आई हैं या फिर चूना लगाने? 5,000 रुपए? 5,000 में तो मैं 50,000 लड़कियों को लगा दूं। मेहंदी बीजी बस। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कोई ना सस्ता वाला डिजाइन बताइए, जो जो 500 रुपए में निमट जाए। और देखो ना मेरे हाथ कितने छोटे छोटे से। मान दी बेटा, किफायती होना अच्छी बात है, लेकिन ये शादी की मेहंदी का सवाल है बेटा। हर लड़की के हाथ में एक ही बार लगती है, इसलिए तुम वही डिजाइन लगवाओ जो तुम्हें पसंद है। तो फिर ना आप वो लास्ट पेज वाला ना, ये वाला डिजाइन लगाना। क्या कर रही हैं आप, थोड़ा अपना हाथों सीधा रखिए, पूरी डिजाइन खराब कर दी। सुनिए ना प्लीज, ये जो हस्बैंड का नाम होता है ना, वो आप मेरे बाएं हाथ की उंगली में ऊपर की साइड यहाँ पे वी लिखना, हाँ, और ताकि हस्बैंड को दिखे भी ना बिल्कुल, गलती से भी नहीं। हाँ चलो, अच्छा हुआ ये राज मुझे पहले ही पता चल गया। अब तो मैं अपना नाम आंखें बंद करके भी ढूंढ लूंगा। अब जल्दी से यहाँ निकलो, अगर मानवी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो अपना प्लान चेंज कर देगी। लेट्स गो।
सुनिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ना वो नाम उस हाथ पे मत लिखना, आप ना राइट साइड में ऊपर की साइड बिल्कुल कॉर्नर में छोटा सा विराट लिखना, मेरे हस्बैंड को ना दिखना नहीं चाहिए। ये क्या कभी दाएं कभी बाएं, दुल्हन हो या ट्रैफिक हवलदार। मानवी बेटा, शरारत करना बंद कर, जल्दी जल्दी से मेहंदी लगा ले, बहुत सारे काम बाकी है ना बेटा। ठंडा ठंडा शरबत मेरी तरफ से। जीजू आप? जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे जमाई हैं। अब पीछे बैठिए बैठिए। अब छोड़। उससे पहले मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं, और आज मैं आपकी ड्यूटी पर हूँ, कुछ भी काम होगा प्लीज मुझे बता दो। वैसे बीजी मैं अभी सुन रहा था कि आप मानवी को कह रहे थे कि शरारत मत करो, ये तो ऐसी ही बात होगी ना कि आप नदी को कह रहे हो कि बहना मत। वैसे किसकी खिंचाई करने का इरादा और किसकी भी? विराट की। मेरी जिंदगी के दो सबसे खास लोग जिनके इर्द गिर्द मेरी पूरी दुनिया बसती है, मानवी और वीरेन जी। हे भगवान, इन्हें बस हमेशा खुश रखना। अबे मेरे भाई, मैं दूल्हा नहीं हूँ ना, मेरा आना अलाउड है, लेकिन तुम नहीं आ सकते। बेशरम कहीं का, इतना वार्निंग देने के बाद भी आया है ना। चल अब मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी। हाँ बनती है। आजा चल बैठ इधर। तेरा पनिशमेंट ये है, तू ना मानवी के हाथ में अपना नाम ढूंढ के बता, तो मैं तुझे जानू। ढूंढ के दिखाओ बच्चों। चाची किसे बोल रही हो, जिंदगी में नहीं ढूंढ पाएगा। बस इतनी सी बात है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ तुमने मेरा नाम कहाँ लिखा। नहीं ढूंढ पाए तो तुम जो कहोगी मैं करूंगा। पक्का? कच्चा पक्का, पक्का। तो चलो ढूंढो। अपना बाएं हाथ दो। ढूंढो मान जाएंगे अगर तू ढूंढ लेगा। तुम मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रही? तुमने मेरा नाम लिखा भी कि नहीं? दिल से ढूंढोगे तो मिलेगा ना? नहीं दिल से ढूंढ रहा हूँ, आंखों से भी ढूंढ रहा हूँ। देखो विराट ढूंढो ना। ओके हार मान ली। अबे यार नहीं मिल रहा, बोलो गिव अप। बीएसआई गिव अप। लो लो ये देखो। ये तो मेरी बड़ी बीजी भी ढूंढ लेती भी रहा है। वो भी बिना चश्मे के। यस यस। अब जैसा कि हम दोनों के बीच में डील हुई थी कि अगर विराट ये नाम नहीं ढूंढ पाया तो उसे सजा मिलेगी, तो दुल्हे राजा अब आपका बाजा बचेगा।
और एज पनिशमेंट मैं चाहती हूँ कि विराट के हाथों पे मेहंदी लगेगी। वैसे भी विराट मेहंदी लगवाने में कौन सी शर्म है, और वैसे भी दूल्हे के हाथ सूने रहे, ये हो सकता है क्या? है बिल्कुल मेहंदी वाली जी, इनके हाथ पूरे मेहंदी से भर दीजिए। ये लीजिए नींबू पानी। दी, ये शादी का माहौल भी कितना अच्छा होता है ना, एक होने वाली दुल्हन अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है, बाकी की सारी औरतें भी मेहंदी लगाती है, सारा माहौल एक हो जाता है, कितना मजा आता है ना। हाँ मनु, शादियों में सारी औरतें फिर से मेहंदी लगाती है अपने पति के लिए। दी, स्वामी बुआ भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है। दी, बुआ जी की लाइफ बिना एक बंद किताब की तरह है, जिसके पन्नों को कभी कोई पढ़ ही नहीं सका। कभी कभी चीजें छुपाना मकसद नहीं, मजबूरी होती है, वरना क्यों कोई अपनों से कुछ छुपाएगा। दी मनु, देखना हर तरफ खुशियां है, सब खुश है, और तू ये बातें लेके बैठी, एंजॉय कर, ये सब मत सोच। ए मानवी। हाँ चाची। देख मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ? अच्छा जल्दी हो। दी मैं आई एक मिनट। और मैंने भी इसको लगाई, दिखाओ दिखाओ। अरे ये मैंने लगाई, ये मैंने लगाई। चाचू का नाम नहीं लिखवाया। ओह माय गॉड। माफ करना मनु, मैं जिंदगी भर तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगी, तेरा मेरा साथ तो बस चंद दिनों का है, उसके बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं, और ये सच मैं तुझे बता भी नहीं सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।